सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज तक स्कूलों में गुरुजनों के द्वारा गाली शिक्षा दी जाती है? गुरु जी आप कभी दिए हैं? नहीं दिए हैं ना। लेकिन व्यक्ति गाली कैसे जानता है? आज तक स्कूलों में चोरी करना सिखाया जाता है? नहीं, आगे भी नहीं सिखाएंगे गुरु जी लोग। लेकिन व्यक्ति चोर कैसे बनता है? व्यक्ति जन्म से शराबी नहीं होता, व्यक्ति जन्म से जुवाड़ी नहीं होता, व्यक्ति जन्म से गंजड़ी नहीं होता, यह आने के बाद होता है। तो नैतिक पतन से भी हम बच जाएंगे महाराज तो हमारा जीवन सभ्य हो जाएगा, सादगीपूर्ण हम जीवन जिएंगे। अच्छे भोजन करें, सादगीपूर्ण भोजन करें, सात्विक भोजन करें, हमारी भाषा भी सात्विक हो जाएगा, फिर हमारा जीवन भी सादा हो जाएगा। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा बाल काला होता है ना जन्म लेते समय। अब जब हम 60 साल 70 साल के हो जाएंगे तो यही बाल सफेद हो जाता है। ये बाल कहता है अरे मैं अब सादा हो गया, तू भी सादा हो जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ये बाल स्पष्ट जवाब देता है मैं सादा हो गया हूं, अब तू भी सादा हो जा। जितना दिन काला करना था कर ली, अब पालिश मत चढ़ा। तो यदि हम सादगी पूर्ण जीवन जिएंगे तो महाराज हमारा ही कल्याण होगा, हम अच्छे इंसान बनेंगे, फिर जगत का सम्मान मिलेगा हमें। अच्छे इंसान का समाज में सम्मान होता है। अपने व्यवहार को, अपने विचार को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके रखें। पानी आप कहीं पर डालोगे तो पानी कहाँ जाएगा? ढाल में जाएगा ना, गड्ढा की ओर पानी जाएगा। वैसे जीव गड्ढा की ओर पहले ग्रसित होता है। दूध बेचने वाला व्यक्ति को घर घर जाके देना पड़ता है, दूध ले लो भैया दूध ले लो। कभी शराब बेचने वाला व्यक्ति जाता है घर घर? अच्छा इंसान बनना मुश्किल है महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, अच्छा विचार हो, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा विचार बनेगा, और जब अच्छा विचार बन जाएगा अच्छा हम भी बन जाएंगे। इसलिए पढ़ाई करनी जरूरी है। मैं ये भी कहा करता हूं प्रत्येक गति से, आप नौकरी ही पाने के चक्कर में पढ़ाई मत करिए, नौकरी देने के भी चक्कर में पढ़ाई। आप किसी की नौकरी क्यों करेंगे महाराज? ऐसे आप पढ़िए कि आप कम से कम आपके पीछे में 25-30 परिवार का भरण पोषण हो। आप ऐसे बुद्धिजीवी बनिए। आप नौकरी करना चाहेंगे तो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। कोई भी नौकरी करना चाहेंगे आप ऐसा लक्ष्य लीजिए कि मैं जीवन में कम से कम 30-25-100 परिवार को चला सकता हूं। नौकरी पाने के चक्कर में नहीं, नौकरी देने के चक्कर में रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ऐसे पढ़ाई करिए, आप ऐसे वाणी को प्रस्तुत करिए कि आपके वाणी को सब पसंद करें, सबको प्रिय लगे। हमें जो चाहिए वो दूसरों को भी चाहिए। सबसे मीठा बोलें, सबसे प्रेम से बोलें, कभी भी किसी को कटु वचन ना बोलें, प्रेम से बोलें। ये वाणी खरीदी कहीं पर खरीद बिक्री इसका नहीं है, आपके मुख में है। सबको सम्मान करें, सबको आदर करें, सबकी आप पूजनी कहलाओगे। सादगी पूर्ण जीवन जीने से सारा हम नैतिक विचार में आ जाएंगे, हमारा पतन नहीं होगा महाराज। इसलिए शिक्षा भी जरूरी है। अपने घर के बच्चे को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं। बुद्धि को सकलांग करने के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। चलो हमें नौकरी भी नहीं मिलेगा तो कम से कम ट्यूशन पढ़ा के परिवार चला सकते हैं। नौकरी भी नहीं मिल पाएगी तो पढ़े लिखे रहेंगे तो हमें ट्यूशन पढ़ा सकते हैं ना महाराज। पढ़िएगा और पढ़ाइएगा, क्योंकि हम केवल 8वीं पढ़े हैं और हमें आज भी खलता है। अब तुम्हारा निकल गया, ऐसे कुछ हालात आए जो हम नहीं पढ़ पाए आगे, ऐसी स्थिति बनी जो हम आगे नहीं पढ़ पाए पढ़ने लिखने में।
इसलिए मैं प्रत्येक गद्दी में कहा करता हूँ, यदि आपके पास माता पिता जी हैं, आपके पास रुपये पैसे हैं, आपके पास व्यवस्था है, तो आप खूब पढ़िए, आप खूब पढ़िए। हम तो भोजन करने के लिए भी नहीं पाते थे उस समय, पढ़ने के फीस भरने के लिए पैसा नहीं था हमारे पास। तो ये हम जानते हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति को यदि पढ़ाई ना मिले तो कितने तकलीफ होती है। तो आप ही अपने बच्चों को पढ़ाइए, भाइयों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। अरे यदि कोई गरीब आपके गांव में है, शहर में है, अच्छे होशियार हैं, वो टैलेंट हैं, उनको पढ़ा दीजिए, शायद वो नेक इंसान बन जाएंगे। तो एक ही जीवन ना जाने कितने जीवन का भविष्य बना देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा उनको पढ़ा दीजिए, आप नेक बनिए, अच्छे इंसान बनिए। अपने लिए तो सब जीते हैं महाराज, पशु भी अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए जीना ही जीना है, अपने लिए सब जीते हैं। हम भी खाते पीते सोते हैं, पशु भी खाते पीते सोते हैं, हमारे भी बाल बच्चा हो तो उनके भी बाल बच्चा हो, तो दूसरों के लिए जीना जीना है। यदि कोई गरीब बच्चे टैलेंट है, पढ़ने में एकदम अच्छे हैं, अब पढ़ाइए। जैसे गुरुजी अपने बच्चे को पढ़ाता है, जब कलेक्टर बन के पद लेके आते हैं और गुरुजी के पांव छू के प्रणाम करते हैं तो गुरुजी गदगद हो जाते हैं। अभी हम कथा कर रहे थे तो हमारे पढ़ाने वाले गुरुजी वहां पर बैठे थे और वो गुरुजी के आंख में आंसू थम नहीं रहा था, आंसू ही निकल रहा था। और जब हम अपने डेरा में गए तो गुरुजी हमसे मिलने के लिए आया और उन्होंने कहा, ब्रजेश महाराज जी हमारी दुर्भाग्य है कि हमने आपको आठवीं कक्षा तक पढ़ाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमने कहा गुरुजी ये मेरी दुर्भाग्य की बात है। तो महाराज यदि हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हों तो पहले तो पढ़ने को उनको एक बार चेष्टा कराइए, पढ़ो बेटा पढ़ो, एक बार बोलिए। ज्ञानी व्यक्ति का सभी जगह सम्मान होता है, सब लोग सम्मान करते हैं। और आज इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चे बाहर में पढ़ लिख रहे हों तो उनके मोबाइल कितने बजे बंद होते हैं रात में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखना अपने बच्चे का मोबाइल 2 बजे 3 बजे तक ऑनलाइन है, क्या पढ़ रहा है वो रात में, ये भी हमारा फर्ज है। आज नहीं बोल पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मौन ही रह जाएंगे, वो आपके सामने जो करना है करके चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बच्चे यदि आपके 3 बजे 4 बजे ऑनलाइन हो उनको रोकिए, बच्चे को ज्यादा मोबाइल मत पकड़ाइए, इसमें पश्चिम सभ्यता भी है। और जीव गड्ढे की ओर पहले जाता है, सब समझदार नहीं होते। जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे बुद्धि भी बढ़ती है। आज हम जानते हैं, मेरे पास में भी मोबाइल है, इसका मैं श्रुति का प्रयोग करता हूं कि मेरे स्वर भटके ना करके, इसमें सब चीज है महाराज, ज्ञान भी है अज्ञान भी भरा हुआ है। तो आपके बच्चे यदि बाहर में पढ़ लिख रहे हो तो ऑनलाइन ज्यादा देर तक हो रात के 2-3 बजे तो आप समझ जाइए कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा है, फालतू देख रहा है मोबाइल। अपने काम तब सीमित रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को ये शिक्षा दें, बेटा टाइम में सोना चाहिए, टाइम में खाना चाहिए, टाइम में जागना चाहिए, ये भी शिक्षा जरूरी है। हम भेज तो देते हैं बाहर बाहर, लेकिन हम एक कहा कि नहीं भेजते कि बेटा टाइम में खाना टाइम में सो जाना, आप इसका भी निगरानी करिए। आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों तो मोबाइल तो आपको पता चल जाएगा ना, आज कितने रात तक हो जगह। कभी कभी हम मोबाइल को डाटा को बंद करने के लिए भूल जाते हैं तो हमारे यजमान जी कहा करते हैं, महाराज जी आज पूरे रात भर आप भूल गए थे। अरे भाई हम थक गए थे सो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो जैसे हमारे यजमान हमारे मोबाइल की ऑनलाइन को चेक करते हैं कि महाराज कितने बजे सोते हैं, वैसे आप भी अपने बच्चे का, आपका फर्ज है आप चेक करें और दूसरा दिन बोले उनको।